हाँ ये लदरी है और एक ये गोभी को सबसे ज्यादा खराब करने वाली यही घास है। 4 से 5 लाख आराम से हो सकते हैं मात्र 4 से 5 महीने के अंदर। नमस्ते इंडिया, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जितना हो सके अपनी खेती ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी को एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे किसान भाई से मिलाने वाला हूँ जो लोग काफी शिक्षित होने के साथ साथ, वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ एक बड़े फार्मर भी हैं, जो खेती को बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे करते हैं। जैसे कि आप जो मेरे पीछे पूरा देख पा रहे हैं, ये गोभी का पूरा प्लॉट तैयार किया गया है। 2 बीघे का पूरा प्लॉट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गोभी लगाई गई है और उनके घर पे एजुकेशन में करियर बनाया है। मतलब एक किसान भाई का, इनका एक बेटा जो बाहर रह के फॉरेन में रह के अमेरिका में रह के पीएचडी कर रहा है, एक लड़का इनका झांसी में रह के पीएचडी कर रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने सुचारू रूप से करने की पूरी कोशिश की है और जद्दोजहद में इस पूरी खेती को देखिए कितने विस्तार से रूप में इन्होंने लगाया। इन्होंने कई प्रकार की चीजें, आपको दिखाऊं तो मैं कई प्रकार की चीजें अपने यहाँ पे लगाई है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी। मतलब ये सीजनल वाइज खेती करते रहते हैं, कभी कुछ ना कुछ फसल हमेशा लगाते रहते हैं। तो आइए देख मिलाते हैं आपको उन किसान भाई से और जानते हैं कि वो खेती को किस प्रकार करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए कि आपकी क्या पहचान है, कहाँ से हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज मौर्य है, मैं जौनपुर जिले के कलंदरपुर गांव से बिलोंग करता हूं और मैं अभी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूं जो कि टीडी कॉलेज जौनपुर में ही है। अच्छा, मतलब आप कृषि से पढ़ाई भी कर रहे हैं, बैचलर्स डिग्री भी कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा अनुज जी, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मतलब आप एग्रीकल्चर से कैसे जुड़े हैं। देखिए मैं शुरू से ही एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हूं क्योंकि हमारे घर खेती ही होती है। अच्छा अच्छा, मेन इनकम का जो सोर्स है हमारे घर वो खेती है। अच्छा, तो मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में ही था। अच्छा, तो इसकी वजह से आपने एग्रीकल्चर से पढ़ाई करना स्टार्ट किया। जी जी। अच्छा तो अनुज जी, आप एक और बात बताइए कि आपके, पहले अगर मैं जानना चाहूँ तो कितनी भूमि है जिसपे खेती होती है। लगभग हमारे यहाँ 8 बीघे होंगे। अच्छा, 8 बीघे होंगे जिसपे खेती सुचारू रूप से की जाती है। जी। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप बैचलर्स डिग्री करते हैं, एग्रीकल्चर से आप बीएससी कर रहे हैं, तो आप जैसे खेती तो पहले आपके यहाँ पहले से भी होती होगी, तो आपने खेती में क्या कुछ ऐसे नए आयाम आपने क्या जोड़े जो आप इससे पढ़ाई करके जो सीखा है आपने। जी जी जी, देख सकते हैं आप, जैसे कि स्प्रिंकलर लगा है, इससे हमारा जैसे देख रहे हैं इस समय वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तो उसके लिए मैंने ये अपने घर वालों को सुझाव दिया और ब्लॉक से इसका अनुदान भी मिलता है, आप लगवाना चाहेंगे तो लग सकेगा। जी, तो ये भी सिस्टम सही है, जैसे आप बरसात नहीं हो रही है तो आप इसे लगा के ये चला देंगे। मतलब आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपने कृषि को जोड़ दिया। जी जी, पहले भी आपके यहाँ पे कृषि होती थी। अच्छा ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अनुज जी, पूरे प्लॉट में गोभी लगी है, तो ये कितना भूमि है, कितने पे गोभी लगाई है, कुछ आप बता सकते हैं। ये लगभग 2 बीघे होंगे। अच्छा, 2 बीघे हैं। अच्छा, कितने फूल गोभी इसमें लगी है। इसमें हमारे हिसाब से 25-30 हज़ार लगे होंगे। 25-30 हज़ार गोभी आप यहाँ पे लगाई गई, जो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फार्मूला होता है डिस्टेंस और इसका, हाँ वो तो कि मतलब कितना लेंथ है, कितने पे लगाया आपने, वो सब इसके प्रोसेस है। तो 25-30 हज़ार गोभी आपने लगाई है, ये कब तक तैयार होगा अनुज जी। ये देखिए, नामधारी सीड्स वैरायटी है। अच्छा, नामधारी सीड वैरायटी। अच्छा, तो ये लगभग 50 से 60 दिनों की वैरायटी है, नवम्बर तक ये देने लगेगा। नवंबर से इसकी कटिंग, हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये नामधारी सीड्स आपने डाले थे, तो ये इसका डालने की क्या विधि थी, इसका बुआई का क्या सिस्टम था? इसके लिए पहले प्रॉपर आपको नर्सरी, मतलब फील्ड प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर नर्सरी बनाना पड़ेगा, बेड बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए जो मतलब प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो सब करने के बाद तब। आपने बताया कि इसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स कुछ होती है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट से आपका क्या मतलब है। जैसे कि आप ले लीजिए, पहले उसको जो फील्ड होता है उसमें अच्छी प्रकार से आप खाद डाल दीजिए, फिर उसके बाद उसकी अच्छी से जुताई करवा दीजिए, उसमें खरपतवार ना हो, वीड्स ना हो। उसके बाद अपने जैसे आपके जो प्रैक्टिसेस होते हैं, अपने इच्छा अनुसार उसका बेड बना लें जिसमें आपको आराम हो। अच्छा, फिर उसके उसमें आप जो मेथड है वो लाइन स्वाइंग करना चाहते हो लाइन स्वाइंग करिए, या तो ब्रॉडकास्टिंग कर दीजिए। ब्रॉडकास्टिंग, जी हाँ, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब कि छिड़काव विधि से, लाइन स्वाइंग का मतलब आप ऐसे एक बंड बना के आप प्रत्येक एक डिस्टेंस पे प्रॉपर लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये जो मैं पूछूं आपसे, तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स में खेत भी तैयार
करने की कुछ विधि होती होगी, तो वो कैसे किया आपने? जैसे कि ये खेत देख पा रहे हैं हम लोग। हाँ, ये खेत जैसे फील्ड है, इसमें जो पहले वीड्स थे हमने उसको सफाया कर लिया। अच्छा, खरपतवार। खरपतवार उसको निकाल दिया, फिर उसके बाद हमने इसमें फर्टिलाइजर डाल दिया। आप जानते होंगे नाइट्रोजन। जी हाँ हाँ, नाइट्रोजन देते हैं, फिर फास्फोरस, पोटेशियम। अच्छा, वो हमने जुताई के समय ही पूरा मिला दिया था। उसके बाद एक दो जुताई करवा के फिर देख रहे हैं आप, बंड बनाया हमने। अच्छा अच्छा, ये बंड इसलिए बनाया जैसे कि कभी कभी ये मेरा मान लीजिए सही नहीं चल रहा है। हाँ हाँ। तो इसे भी हम कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने इस पे पाटा लगाया ताकि खेत समतल हो जाए। जी, और ड्रेनेज देख सकते हैं यहाँ पर हमने काटते हैं ताकि इसमें पानी न डूबे। एक्सेस ऑफ वाटर, पानी बाहर। ड्रेनेज का बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि गोभी में ज्यादा पानी लगेगा तो फसल खराब हो जाएगी। जी ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये जानते हैं जैसे कि आप बरसात का मौसम चल रहा है, तो आपने उसके लिए कुछ सेलेक्टिव ब्रीड्स लगाई होंगी ना, इसकी मतलब बरसात में चल जाए ऐसा कुछ रहा होगा ना सिस्टम। तुम बताया ना हमने आपको, जैसे नामधारी सीड्स हैं, नामधारी और भी जैसे इंडो अमेरिकन आता है, लेकिन हमें अर्ली वैरायटी चाहिए। अच्छा, कम समय में ज्यादा पैदावार दे। अच्छा, तो ये हाइब्रिड सीड्स है या देसी वैरायटी? नहीं नहीं, हाइब्रिड सीड्स है। अच्छा, ये पहली बार से अवेलेबल नहीं था। अच्छा, बहुत ही मुश्किलों से मिला और अपने लोकेलिटी मार्केट में। अच्छा, और ये लगभग 350-400 रुपए पर पैकेट मिलता था। अच्छा, 10 ग्राम 450 रुपए, 450 रुपए का 10 ग्राम का पैकेट आता है। अच्छा, तो आपके इस पूरे जो आप बता रहे हैं 2 बीघे में कितना लगा होगा सीड? ये हमारे हिसाब से लगभग 45-47 पैकेट लगा इसमें। इसमें नहीं मतलब पूरे हमने मतलब टोटल जितना आपने डाला था। तो आप इसको सेल भी करते हैं इसका नर्सरी की, या बस अपने लगाने के लिए? इसका नर्सरी भाई बहुत मेहनत होता है, इसलिए अपने लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये कितने अवधि की खेती है, मतलब जैसे नर्सरी से लेके हार्वेस्टिंग तक में कितना समय लगता होगा? लगभग 2.5 महीने, 2.5 से 3 महीने नर्सरी डालेंगे, 1 महीने उसमें जाएगा, फिर लगने के 50 दिन या 60 दिन में कटना शुरू हो जाएगा। कटना शुरू हो जाएगा, और कब तक चलेगा ये? ये आपका मतलब पूरा होता है। हाँ, पूरा आप जैसे दिसंबर तक ये खेत एकदम छोड़ देगा आपका। अच्छा, मतलब अगर बात की जाए तो 4 महीने, 4 से 5 महीने तक आप इसे हार्वेस्टिंग ले लेंगे, पूरी क्रॉप ले लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं अनुज जी पैसे की, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसानों को कि खेती अगर करे तो आमदनी बनाए कैसे। तो अनुज जी आप ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि 25 से 30 हजार आपने फूल लगाया है, ये कितना अर्निंग आपको दे देगा, कितना पैसा इससे बना सकते हैं आप? पहली बात तो इसमें ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केट कहाँ है और आपका मार्केट कितनी दूरी पे और इसका प्राइस क्या है करेंट समय पे। अच्छा, अब जैसे अगर आपका अगर अर्ली है तो हमें लगता है 10-15 रुपए पर पौधे मिलेगा। अच्छा, तो जब अर्ली स्टेज में आप इसको मार्केट में निकालेंगे तो। अच्छा ठीक है, अच्छा। मान के चलिए एवरेज आप 12, 10 या 15 रख सकते हैं, उसी के हिसाब से आप जोड़ लीजिए मल्टीप्लाई करके। अब तो एक बार एवरेज आप अपने हिसाब से बताएं तो आप कितना बना पाएंगे इससे? 4 से 5 लाख आराम से हो जाते हैं, मात्र 4 से 5 महीने के अंदर में आप 4 से 5 लाख रुपया बना सकते हैं इससे। लागत कितनी आई होगी अनुज जी? लागत तो आप जोड़ लीजिए, देखिए 400 लगभग पैकेट ही हो जाते हैं। फिर उसमें बाद इसमें लेबर कास्ट बहुत आता है, मेंटेनेंस का आता है, अच्छा इरिगेशन का आता है, फर्टिलाइजर आता है, तो मिला के चलिए 50-60 हजार या 1 लाख उसके अंदर ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, आप मुझे कुछ अपने खेत में थोड़ा अंदर चल के दिखाएंगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे आपने लगाया उसको? देखा, मैं देख पा रहा हूँ कि ये पूरे एक पाइप का कुछ ऐसा सिस्टम है, इसमें प्लास्टिक की पाइप लगी है और ये कनेक्शन है, तो आप मुझे बताइए कि काम कैसे करता है, ये पानी आता कहाँ से है? ठीक है, देखिए पहले मैं आपको शुरू बताता हूँ, मेरा जो मेन इरिगेशन है वहाँ पंप लगा है, ठीक है, फिर वहाँ से हमारा एक मेन इरिगेशन चैनल आया यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक ये सब जो आप देख रहे हैं सब, ये सब इरिगेशन चैनल है। अच्छा, ये उसका कनेक्टिंग है सब पाइप में, वहाँ कनेक्ट है। अच्छा, फिर उसमें ये स्प्रिंकलर लगा है। अच्छा, अब ये इसको दिया है सहारे के लिए, अब फिर इसमें ये नोजल है, ठीक है, इसमें फुहारा निकलेगा तो ये प्रेशर मारेगा तो ये ऐसे घूमेगा। अच्छा, तो इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं या फिर ये एक ही स्पीड से ऐसे चलता है? एक स्पीड से ऐसे ऐसे नाचता रहेगा। अच्छा, और ये कितने एरिया कवर करता होगा? एक मान लीजिए एक हमने यहाँ पे लगाया स्प्रिंकलर, तो कितना एरिया कवर करता होगा? 8 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसे ऐसे भी मतलब 4x4 में पूरा कवर करता होगा। 8 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 8 मीटर चारों तरफ से। अच्छा, तो ये इसके लिए आप लगाया, ये जैसे इसकी लगाने क्या हो सकता है? पड़ गई अगर इरिगेशन का हमारा सुचारू पानी से अगर हम डायरेक्ट अगर पानी लगा के करें, नाड़ी बना के करें, तो उससे इसमें क्या फर्क है? देखिए हमारा पहला तो मेन मकसद था, जब हम इसे रोपाई करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो बारिश नहीं होती तो हमें इसे पानी बहुत देना पड़ता है। अच्छा, 2-3 दिन इसे बल्टी बल्टी देना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको ठेठ भाषा में शायद दोहराना बोला जाता है ना, दोहराना या डुटियाना। डुटियाना जी, तो वो हमारा ये कास्ट पहली मेहनत हम लोग का कम हो गया, इससे हम लगा के लगभग रात को चलाते हैं, क्योंकि
धूप की वजह से मुरझा रहता है पौधा, तो रात में चलाते हैं पौधा खड़ा रहता है, तो हमें वो डोटियाने का मतलब देने का पानी काश्त नहीं। अच्छा जी। और दूसरी बात, इस समय आप देख सकते हैं वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। जी जी जी। तो वो भी हम सोच के लगाए थे कि पानी कुछ तो बचेगा। हाँ हाँ हाँ, पानी कुछ बचेगा, मेरी खेती भी सुचारू रूप से हो जाएगी। एज कम्पेयर टू नाली में अगर आप पानी चलाते हैं तो नाली में पानी पहली बात तो नाली सूखेगी, फिर उसके बाद खेतों में आएगा, कहीं टूट जाएगा, कहीं ज्यादा पानी लग गया, लेकिन इस स्प्रिंकलर से आप जितनी आवश्यकता होगी आप उतनी पानी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी खेती कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी पहल, आप भी किसान भाई अपने यहाँ पे अगर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं जानते हैं तो देखिए किसान भाई ने कितने अच्छे तरीके से अनुज जी ने बताया कि आप भी अपने यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगा सकते हैं। अनुज जी मुझे एक और बात बताइए कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या सभी फसलों के लिए सुचारू रूप से काम कर सकती है? सभी फसलों के लिए नहीं, लेकिन जैसे आप वीट ले सकते हैं, वीट में बहुत जैसे आपको वीट में भी चल सकता है, लेकिन जैसे आपका बैगन हो गया, टमाटर हो गया, और जैसे आपके ये फ्रूट वाले क्रॉप्स हैं, इनमें आपको ड्रिप इरिगेशन ही ज्यादा सुटेबल पड़ेगा, टपकते पानी जो नीचे से आता है, मल्चिंग पेपर से नीचे से। और ये वाला जैसे आपको फसली पौधे में ज्यादा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि वो पौधे आपके दूर दूर रहते हैं, तो उनके लिए टपक सिंचाई भी अच्छा रहेगा। अनुज जी जैसा कि आपने बताया कि आपने फर्टिलाइजर डाला है, केमिकल्स डाले हैं इसमें, तो अगर आप बताएं तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग बारे में तो जानते ही हैं जी, हमारा सोच है वही करें, लेकिन जी इस समय की मांग जो है वो बहुत उत्पादन की है, तो आप जैसा कह रहे हैं तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते? देखिए मेन बात तो ये है कि हमें कम समय में अधिक प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि हमें पैसा भी कमाना है। अगर हम पूरा जोर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही दे देंगे तो हमारा जो कास्ट है वो भी नहीं निकल पाएगा। अच्छा, तो जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करें, क्योंकि हमने इसमें लगभग बुआई से एक दो महीने पहले इसमें हमने गोबर की खाद बढ़िया से मिलाकर जुताई करवा दी थी, इसीलिए कम फर्टिलाइजर डाला इस बार। अच्छा 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 अच्छा, तो जैसे कि आपने गोबर की खाद कैसे, जो वर्मी कम्पोस्ट वाली खाद होती है, देसी खाद जो घर पे सड़ा के बनाई जाती है, जो गोबर गाय भैंस द्वारा रहते हैं, वर्मी कम्पोस्ट वाला सोच रहे हैं वो भी खोलें, अभी यूनिट डालने का चक्कर में। अच्छा, तो आप मुझे दिखाएंगे कि नर्सरी आपने कहाँ डाली है अनुज जी? जी ये देख सकते हैं, यही है। अच्छा, ये देखिए आप पहले बता देते हैं, पहले हमने इसकी बढ़िया से जुताई की, फिर उसके बाद ये देख सकते हैं बेड बनाया, ठीक है? अच्छा, ये बेड बनाया गया, मुझे लग रहा है दो से ढाई फीट। हमने इसे अपने कल्चरल प्रैक्टिस के हिसाब से बनाया, जो अच्छा टेबल पड़े। हाँ हाँ, वो तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछा ना कि आपके हिसाब से कितना, दो ढाई फीट होगा, और लंबा भी लगभग 40 फीट है लंबा। तो ये आपने कैसे, ये जो लाइन मेथड लगाया क्या इसमें? हाँ, लाइन स्विंग की है हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। और बेड बनाते वक्त आप ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बेड है वो प्लेन एरिया में हो और ऊपरी इलाके में, जैसे कि पानी न डूबे, पानी वहाँ लगे तो निकल भी जाए, उसका अच्छा निकासी हो जाए। बेड बनाइए तो 5-6 सेंटीमीटर लगभग आप ऊंचे स्थान ऊंचे अच्छा, बनाइए अच्छा, जैसे हमने हमारा ये जमीन है, तो आप देख सकते हैं ये जो ये आप दिखा रहे हैं, हाँ, तो ये 5-6 मीटर हमारा ऊंचा है। अच्छा, और आप ये देख सकते हैं हमने लगाया जिससे कि जब अधिक बारिश हो, यानी तेज बारिश हो, तो हम इसे तो ये प्लास्टिक से आप कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपका पानी जो है एक्सेस हो यहाँ से निकल जाए। हाँ हाँ। ओके, तो ठीक है, तो ये अभी आप आगे भी नर्सरी डालेंगे कि आगे भी कहीं लगाना है? हाँ, अभी अभी हमारे यहाँ चल रहा है, अभी रुपाई तो चल ही रहा है। ये कितना बेड डाला आपने? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो अभी ये मतलब अभी जाम रहे हैं, जर्मिनेशन कर रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप कौन कौन सी गोभियां लगाए हैं, जैसे कॉलीफ्लावर आता है, बंद गोभी, फूल गोभी, क्या क्या है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ जैसे ज्यादा मात्रा में तो हम लोग कैबेज ही लगाते हैं। अच्छा, बंद गोभी। हाँ, उसके बाद कॉलीफ्लावर है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ब्रिंजल भी लगाते हैं, टोमेटो भी लगाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब सीजनल फार्मिंग आप करते रहते, प्रैक्टिसेस होते रहते। अब आप मुझे एक बात और बताइए कि इसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, कि मतलब इसमें घाटा क्या होता है? घाटा इसमें यही होता है, अगर आप ड्रेनेज का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके पेड़ सबसे पहले सूख जाएंगे, और आप जब नर्सरी तैयार करते हैं सबसे घाटा आपको उसी में होता है, क्योंकि अगर तेज धूप हुई, आप देख सकते हैं हम जब इसे डाले थे नर्सरी, दिखाइए, देख सकते हैं इसमें बहुत से जगह खाली है, यानी कि जो तेज धूप होता है इसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आज जैसे मौसम देख के इन्वायरमेंट सही रहे, यानी बादल टाइप रहे, तो अब आप इसका वेट डालिए, आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। अच्छा, और एक बात मैं भी आपको इसमें बताना चाहूंगा किसान भाइयों की, आप सभी को पता ही है कि जो कृषि होती है, जो ये हमारा प्रक्रिया होता है, पूरा प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, तो अगर प्रकृति हमारे साथ नहीं काम करेगी तो हमारा कृषि खराब हो जाता है। सबसे बड़ी सावधानियां इसमें घाटा यही होता है कि अगर एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब बारिश ज्यादा मात्रा में हो गई तो भी हमारी खेती खराब हो सकती है, नहीं हुई, ड्राट हो गया तो भी हमारी खेती खराब हो सकती है, मतलब हम सब पूरा रूप से कहीं ना कहीं प्राकृतिक के ही
प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं, किसान उसी के ऊपर निर्भर करता है अपनी खेती को करने के आयाम को। तो अनु जी आप बताइए हमें, जैसे आपने अगर ये प्रैक्टिसेस किया, मान लीजिए अगर मार्केट वैल्यू डाउन हो गया तो आपको तो उससे भी घाटा हो सकता है। जी जी जरूर हो जाता है ना, होता है। लेकिन अब जब लगाया आदमी, अगर 5 रुपए हम लोग बेचते तब पर भी सोचते कुछ तो मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, अब लगाए उसे फेंक तो सकते नहीं है, हाँ। कुछ तो मिलेगा। हाँ। और ये जो आपके पीछे प्लॉट दिख रहा है, ये भी अपना प्लॉट है, इसमें क्या लगाया गया? इसमें कॉलीफ्लावर है। ये मतलब लगेगा कि ये तैयार हो चुका है, एज कम्पेयर टू इसके ये तैयार हो चुका है। तैयार, हाँ, अभी इसमें 15-20 दिन का टाइम है। अच्छा, तो फिर इसमें फूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप इसे बेचते कहाँ, इसका मार्केट कहाँ है? अगर आप जिस हिसाब से आप खेती करें तो कोई लोकल मार्केट होगा आपके यहाँ पे? जी, हमारे यहाँ जैसे लोकल मार्केट हमारा जफराबाद है, कुछ तो हम लोग जफराबाद ले जाते हैं, लेकिन जब शुरुआती स्टेज में रहता है तो जफराबाद ही दे देते हैं। लेकिन जब आप ढेर मतलब अधिक मात्रा में निकलने लगता है तो इसे मंडी ले जाते हैं। अच्छा। जौनपुर में मंडी है। अच्छा अच्छा, घर से कितना दूर है आपकी मंडी? यही लगभग 8-10 किलोमीटर होंगे। तो एक बार में कितना प्रोडक्शन आता होगा जब आप हार्वेस्टिंग करते होंगे तो? वो आपके ऊपर है, जैसे आपके जितना बेचना है तो हम 8-10 बोरे ले जाते हैं। 8-10 बोरे ये फूल के हिसाब से बिकता है, किलो के हिसाब से बिकता है? दोनों के हिसाब से। अच्छा, किलो के हिसाब से बिक जाता है और फूल के हिसाब से बिक जाता है। तो ऑन एवरेज आपने जगह पहले बताया था वीडियो में कि 12-15 रुपए एक फूल का प्राइस जाता है, और किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से भी लगभग उतना ही रहता है, 1-2 रुपए कम मार्जिन। और किलो में कितना चढ़ता होगा फूल के हिसाब से? तो आपने एक बता दिया, किलो में कितना आता होगा? एक किलो, डेढ़ दो किलो, एक किलो बस, क्योंकि पहले की है ना, जैसे नहीं नहीं, जैसे आप, मैंने आपसे पूछा कि आपने बताया किलो के हिसाब से बिकता है, ठीक है, तो किलो में एक फूल चढ़ता कितना होगा? एक फूल चढ़ता होगा, एक दो फूल चढ़ता होगा किलो के? हाँ, तो वही बता रहा हूँ, एक फूल जो है हमारा ये वाला कैबेज वाला, एक से 1.5 किलो होता है। अच्छा, वैसे तो इसका मतलब 2 या 2.5 किलो होना चाहिए, लेकिन इसे इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो अल्ली जो होता है वो लगभग 1.5 किलो, 1 किलो तक ही हो पाता है। और बताइए हमें कि इसमें वीडिसाइड कैसे करते हैं आप, मतलब जो आपका खरपतवार होता है उसको कैसे नियंत्रित करते हैं आप? जी देखिए, वीडिसाइड तो हम लोग जनरली वही प्रीफर करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस, क्योंकि हम लोग को जो केमिकल्स रहता है उतना विश्वास नहीं रहता, क्योंकि उससे हमारे जो पौधे हैं वो भी इंफेक्टेड हो जाते हैं। जी हाँ, जैसे ग्लाइफोसेट से रिलेटेड आता है, कंपोनेंट आता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर मेरी चल रही है वीडिंग, इसमें चल रही है, देख रहे हैं, 2-3 पार्टियों में हो चुका है। अच्छा, स्लॉट में। अच्छा, तो आप खरपतवार नियंत्रण मतलब इसे प्रैक्टिस करके करते हैं? नहीं, पहले अगर जैसे क्रॉप नहीं लगा रहता तो हम लोग मार देते हैं, दवाई मार देते हैं, लेकिन जब इसमें क्रॉप लगता है तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा खरपतवार कौन सा ऐसा है जो अफेक्ट करता है, इसको खराब करता है? देख सकते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम तो नहीं मालूम, इसे मतलब लोकल लैंग्वेज में इसे लदरी कहते हैं। लदरी और एक पथरी होता है। अच्छा, ये लदरी है? हाँ, ये लदरी है। और एक ये गोभी को सबसे ज्यादा खराब करने वाली यही घास है। हाँ, और ये है कुल्फा। अच्छा, कुल्फा। अब पथरी कौन सी है? कुल्फा है। पथरी उसका पत्तियां चौड़ा रहता है। अच्छा, ये मतलब ऐसे 2-3 ऐसी घासें हैं जो हमारे क्रॉप को खराब कर देती हैं। ये है पथरी। अच्छा, ये पथरी, लदरी और कुल्फा, ये 3 ऐसी घासें हैं जो हमारे इस क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इसके लिए आप बता रहे हैं कि आप खुरपी किसे नियंत्रित करते हैं और इसके लगाने से पहले आप दवाई मार देते हैं। अच्छा, और इसमें कौन से रोग ऐसे लगते होंगे अनुज जी, कुछ अगर आप बताएं तो? आप रोग इसमें देखिए, मेन यही होता है कि ऐसे कुछ कीटे होती हैं जो इसके जो पुनी। अच्छा, पुनी कनकी होता है। अच्छा, वही इसका डिस्ट्रॉय कर देती है। अच्छा अच्छा, तो उनके लिए इंसेक्टिसाइड आता है बाजार में। हाँ हाँ, वो लेके आके ऐसे मारते हैं यहाँ पे। तो मतलब इंसेक्टिसाइड्स हो गया, इसमें ज्यादा ध्यान रखना है, खरपतवार नियंत्रण ज्यादा करना, बिना खरपतवार के आपका प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। और इसमें एक बहुत गंभीर समस्या है डैम्पिंग ऑफ की, जब वो लगने लगेगा आपका कोई दवा भी काम नहीं करता है। अच्छा, डैम्पिंग ऑफ हमारे दर्शकों को कुछ अगर बताएं? डैम्पिंग ऑफ मतलब कि जैसे वो पत्तियां पहले पीली पड़ जाएंगी, फिर उसके बाद वो सड़ने लगेगा। अच्छा, और आपके खेत में से बदबू आने लगी, पूरा क्रॉप बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसका एक ही उपाय है कि आप जहाँ तक उसे मिले उपाय उसे खेत से दूर जला दीजिए। अच्छा, मतलब जो भी इफेक्ट हुआ उसको हटा दीजिए, इफेक्ट हुआ उसका यही नियंत्रित करने का तरीका। और या तो आप उसका ट्रीटमेंट करिए लगाने से पहले। हाँ, लगाने से पहले ट्रीटमेंट करिए। हाँ, और यही है। मतलब आपने बताया कि इसका सबसे गंभीर बीमारी डंपिंग ऑफ एक ऐसी बीमारी है जो आपके इस गोभी के फसल को खराब कर देने वाली है। तो आप किसान भाई इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, अगर आप गोभी की अपने यहाँ पे नर्सरी लगा रहे हैं या गोभी की फार्मिंग कर रहे हैं, कॉलीफ्लावर या कैबेज जो भी आप गोभी लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो उसका भी नियंत्रण आपको करना है। लदरी हुआ और उसके बाद पथरी हुआ, फिर कुल्फा हुआ, एक ऐसी घासें होती हैं जो आपके क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और साथ ही साथ एक डंपिंग ऑफ नाम की एक ऐसी बीमारी जो आपकी रोग ऐसा है जो आपके अगर क्रॉप में लग गया इससे आपका क्रॉप खराब हो सकता है। तो ये सब आप सारी चीजें
नियंत्रित करके ही अपने यहाँ पे चेक करके करवा सकते हैं। चलिए अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, आपने बताया कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, किस जगह पे भूमि पे कितनी क्रॉपें लगाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करूंगा कि आप आगे भी ऐसे खेती करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, अगर आप कुछ करेंगे ऐसा तो हमें बताइएगा, हम जरूर आपसे मिलेंगे। तो देखा आपने कैसे किसान भाई ने कितने अच्छे लेवल पे, एक बड़े लेवल पे खेती करने को, एक आयाम को कितना आसान बना दिया है। वो लगभग 25 से 30 हजार यहाँ पे गोभी लगाए हैं, उनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी है, उनके घर पे लोग कृषि से ही जुड़े हैं, उनके आय का एक मुख्य स्रोत भी कृषि है। आप देख ही सकते हैं कि 2 बीघे में यहाँ पे गोभी लगाई गई है, उधर भी गोभी लगाई गई है, हर जगह पे उन्होंने गोभी लगाया। सीजनल रोटेशनल खेती करते हैं, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से आपको बताया कि वो कितनी अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। इस वीडियो में सारी चीजें आपको कवर करके बताई कि आप गोभी लगा कैसे सकते हैं, गोभी की नर्सरी कैसे स्टार्ट की जाती है, गोभी के लगाने के तरीके क्या होते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, रोग नियंत्रण कैसे करना है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, वो सब कवर किया मैंने इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, गोभी की खेती के बारे में क्या जानकारी आपको चाहिए, और आपने गोभी की फार्मिंग की कि नहीं ये भी जरूर बताएं। तब तक के लिए थिंक ऑर्गेनिक, बी ऑर्गेनिक, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।